बिजनेस शुरू करने से पहले जान लें ये कानून। बिजनेस संस्थापकों के बीच औपचारिक करार स्थापित करने से लेकर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित करने और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट लागू करने तक कई ऐसे काम हैं जिन्हें सही तरीके से करने के लिए उद्यमियों को मार्केट और बिजनेस के कायदे कानूनों के विषय में जागरूक रहना चाहिए। आज कुछ ऐसे ही कानून के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे अपना बिजनेस शुरू करने वाले हर व्यक्ति को जानना चाहिए। बिजनेस संरचना परिभाषित करें। बिजनेस संस्थापकों को सबसे पहले अपने बिजनेस की संरचना परिभाषित करनी होगी। कंपनी के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ये स्पष्टता लाना आवश्यक है कि आपका बिजनेस किस तरीके का है। एक बिजनेस कई तरह से किया जा सकता है जिसमें ये चार सिस्टम प्रमुख हैं: एकल स्वामित्व, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। हर बिजनेस टाइप के साथ उसके अलग कायदे कानून जुड़े होते हैं। आप अपने बिजनेस टाइप के हिसाब से इनका ध्यान रखें। संस्थापकों के बीच औपचारिक समझौता बनाएं। हो सकता है आप बिजनेस अपने किसी दोस्त या सगे संबंधियों के साथ मिलकर शुरू कर रहे हों और आप आपस में काफी भरोसा रखते हों, परंतु बिजनेस की रूल बुक कहती है कि व्यापार में संबंधों को हावी ना होने दें। बिजनेस के सभी संस्थापकों के साथ एक औपचारिक समझौता बनाएं। अंग्रेजी में फाउंडर्स एग्रीमेंट कहलाने वाले समझौते में संस्थापक टीम और बिजनेस की जिम्मेदारियां, मुआवजे, कामकाज प्रणाली, बिजनेस से अलग होने की प्रक्रिया आदि समेत कई धाराएं होती हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए पहले से ही कंपनी को तैयार रखती हैं। मतभेदों की स्थिति में ये एग्रीमेंट गाइड का काम करता है। बिजनेस शुरू करने और बढ़ाने के लिए ये एक मजबूत नींव है। बिजनेस लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। लाइसेंस के बगैर कोई भी बिजनेस कानून की नजर में वैध नहीं माना जाता। बिना लाइसेंस पकड़े जाने पर आपको कोर्ट के चक्कर लगाने के साथ साथ भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। बिजनेस लाइसेंस वो वैधानिक डॉक्यूमेंट है जो आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन का सबूत होता है और आपको अपना बिजनेस चलाने की अनुमति देता है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन एक आधिकारिक प्रक्रिया है जिसमें बिजनेस को रजिस्ट्रार के जरिए सूचीबद्ध कराया जाता है। हर बिजनेस पर लागू होने वाला एक लाइसेंस है शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो सभी व्यवसायिक क्षेत्रों में मान्य है। अन्य लाइसेंस संबंधित इंडस्ट्री के मुताबिक बदलते रहते हैं, जैसे एक ई कॉमर्स कंपनी को वैट सर्विस टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन आदि से जुड़े लाइसेंस की आवश्यकता पड़ सकती है। वहीं एक रेस्टोरेंट को अन्य लाइसेंसेस के साथ फूड सेफ्टी, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, हेल्थ ट्रेड आदि लाइसेंस की आवश्यकता पड़ सकती है। टैक्स नियमों को समझें। टैक्स और बिजनेस का पुराना नाता है। सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, लोकल टैक्स जैसे कई टैक्स हैं जो बिजनेस पर लागू होते हैं। अलग अलग तरह के बिजनेस के लिए अलग अलग तरह के टैक्स होते हैं। इनकी पूर्व जानकारी आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद है। भारत सरकार ने हाल ही में शुरू होने वाले कारोबार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया नाम की पहल की। इसके तहत नए व्यवसायों को कई तरह से टैक्स से छुटकारा दिया गया। बिजनेस द्वारा 3 साल तक इस छूट का लाभ उठाया जा सकता है। ये सुविधा पाने के लिए स्टार्टअप की उम्र स्थापना की तारीख से अधिकतम 7 साल होनी चाहिए। कंपनी एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए। शर्त ये भी है कि कंपनी का टर्नओवर किसी भी वर्ष में 25 करोड़ से अधिक ना हो और साथ ही स्टार्टअप किसी पुराने बिजनेस की नींव पर नहीं खड़ा होना चाहिए। अकाउंटिंग का रखे ख्याल। अकाउंट सही समय पर ऑडिट करते रहने से ये पता लगता है कि सभी नियमों का अच्छे से पालन हो रहा है या नहीं। शुरुआत में बिजनेस छोटा होने से कई बार लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। हालांकि लंबे समय में ये अनदेखी आपके बिजनेस पर भारी पड़ सकती है। अकाउंटिंग आसान करने के लिए आप ऑनलाइन मौजूद एप्स का सहारा ले सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ होते हैं और आपके बिजनेस का सही हिसाब किताब रखते हैं। श्रम कानून का करें पालन। आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज चाहे कितना भी हो, जब आप एक बिजनेस के रूप में स्थापित होते हैं और अपने साथ काम करने के लिए लोगों को नियुक्त करते हैं तो आप कई तरह के लेबर कानून के दायरे में आ जाते हैं। न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948, मातृत्व लाभ एक्ट 1961, कारखाना एक्ट 1948, यौन उत्पीड़न, अवकाश, बोनस आदि से जुड़े कई श्रम कानून का पालन आपको करना होगा। आप चाहें तो किसी लीगल काउंसलर की मदद भी ले सकते हैं ताकि आप अपने बिजनेस के मुताबिक लगने वाले कानून का पालन कर पाएं। जितने भी नए बिजनेस स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के तहत रजिस्टर्ड हैं, वे स्थापना के 1 वर्ष के भीतर इन 9 लेबर कानूनों को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर और श्रम निरीक्षण से मुक्त हो सकते हैं। पहला, औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946। दूसरा, भारतीय औद्योगिक विवाद एक्ट 1947। तीसरा, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट 1952। कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट 1948। द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1989। द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स एक्ट 1996। अनुबंध श्रम अधिनियम 1970। ध्यान रखें,
किसी भी बिजनेस को शुरू करने और अच्छे ढंग से चलाने के लिए इससे जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं के विषय में सही जानकारी होना और उन जानकारियों के अनुरूप सभी प्रक्रियाएं पूरी करना बहुत जरूरी है। अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो एक कानूनी सलाहकार नियुक्त करना आपको आगे होने वाली कई बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।